नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं lallantop.com। 27 अक्टूबर 2018 बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर के चकौसन बाजार में शहीदों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नाम था एक शाम शहीदों के नाम। इस कार्यक्रम में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम था। शाम के वक्त प्रोग्राम शुरू हुआ। अभी खेसारी लाल यादव ने गाना शुरू ही किया था कि वहाँ पर पत्थरबाजी हो गई, खूब पत्थर चले, जिसके बाद कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। इसकी वजह से स्टेज पर कार्यक्रम कर रहे खेसारी और उनके साथी कलाकार किसी तरह से जान बचाकर भागे। हमले में खेसारी की 3 गाड़ियां भी टूट गई। मौके पर पहुंचे कई पुलिस वालों को भी चोट लग गई और बाद में फोर्स ने किसी तरह से पूरा मामला संभाला। इसके बाद आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। फिर आया 28 अक्टूबर 2018। खेसारी लाल यादव फेसबुक लाइव पर आए। फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने रोते हुए खुद पर हमले की बात बताई और कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। इस हमले के लिए उन्होंने सिवान के महाराजगंज लोकसभा सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल मैं वैशाली जिला में एक शो करने गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पथराव मेरे ऊपर हुआ और ये मेरे बड़े भाई सुधीर सिंह जी आज पोस्ट किए हैं कि मैंने अश्लीलता के खिलाफ आगाज़ कर दिया। मैं आपके अश्लीलता के विरोध में नहीं हूँ, मैं भी समर्थन में हूँ कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर मुझे मारना ही है तो भाई मुझे आप बुला लीजिए मुझे और मुझे अपने बीच में मार दीजिए ना। मेरे वजह से कुछ पब्लिक को, मेरी जनता को जो मुझे मोहब्बत करती है, आप आज आप फेसबुक आईडी पर अपने डाले हुए हैं कि मैंने अश्लीलता के विरोध आगाज कर दिया है। मैं एक जादू समाज का बेटा हूं, एक गरीब परिवार का बेटा हूं, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार। मैं आगे बढ़ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं मेहनत किया और मैं आज जो भी कुछ हूँ, मेरे जाति के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मेरे जाति के नहीं हर जाति के लोग, और आप कह रहे हैं कि अश्लीलता का आगाज कर दिया। मैं जहाँ भी शो करने जा रहा हूँ भाई लोग, मैं आज दुख से आ रहा हूँ, कल मेरी हत्या हो जाती, कम से कम 200 पत्थर मेरे गाड़ी पे चले हैं, एक भी शीशा बचा नहीं था, सिर्फ मेरे गाड़ी पे। इस फेसबुक लाइव में खेसारी लाल यादव ने साफ किया है कि वैशाली में शो के दौरान जो पथराव हुआ है उसके पीछे सुधीर सिंह का हाथ है। अपनी बात को साबित करने के लिए खेसारी लाल यादव ने सुधीर सिंह की एक फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया है। इस पोस्ट को भी देख लीजिए। इस पोस्ट में सुधीर सिंह की ओर से लिखा गया है, गरीबी के ढोंग रचे वाला ई गायक के औकात बता देले बानी, अश्लीलता गावेला के जनता सबक सिखा देले बा, वैशाली के धरती से अपन आवाज़ लगा देले बानी। इस पोस्ट का लब्बो लुआब ये है कि खेसारी लाल यादव पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो अश्लील गाने गाते हैं। भोजपुरी से अश्लीलता हटाने के खिलाफ ये पत्थरबाजी जनता ने की थी। जब खेसारी लाल यादव ने इस बात को अपने फेसबुक लाइव में कहा तो सुधीर सिंह ने फेसबुक से अपनी पोस्ट हटा ली। अब खेसारी लाल यादव इसे खेसारी लाल यादव बनाम सुधीर सिंह बता रहे हैं। तो क्या है सुधीर सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच का मामला? इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के छपरा जिले से। खेसारी लाल यादव बिहार के छपरा जिले के रसूलपुर के रहने वाले हैं। वही छपरा के ही रहने वाले प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं। इलाके में छवि बाहुबली की है। प्रभुनाथ सिंह 3 बार जदयू और 1 बार राष्ट्रीय जनता दल से सांसद बने हैं। 2014 में मोदी लहर में प्रभुनाथ सिंह को बीजेपी के जनार्दन सिंह ने मात दी थी। प्रभुनाथ सिंह के बारे में कहा यह जाता है कि बिहार में सरकार किसी की भी हो लेकिन सारण के मुख्यमंत्री तो प्रभुनाथ सिंह ही हैं। सुधीर सिंह इन्हीं प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे हैं। 3 जुलाई 1995 को मसरख विधानसभा क्षेत्र से RJD के विधायक अशोक सिंह की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। ये हत्या बिहार की राजधानी पटना में उनके सरकारी घर पर हुई थी। इस हत्या के लिए अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह के अलावा उनके 2 भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। मामला कोर्ट गया और फिर झारखंड के हजारीबाग में इस केस का ट्रायल हुआ। 22 साल के बाद 18 मई 2017 को कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद से ही प्रभुनाथ सिंह जेल में है। इसके अलावा कोर्ट ने दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को भी हत्या का दोषी पाया है और उन्हें भी जेल भेज दिया है। लेकिन बात हो रही है सुधीर सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी बात करते हैं।
प्रभुनाथ सिंह जेल में है। उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर क्षेत्र में नाम सुधीर सिंह का आता है। 2019 का लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, ऐसे में सुधीर सिंह अपने चाचा की राजनीतिक जमीन पर खुद को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सामने आ गई हैं। अपने कई कार्यक्रमों में भी खेसारी लाल यादव कह चुके हैं कि अगर लोग चाहेंगे तो वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब इस स्थिति में स्वाभाविक तौर पर एक ही पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से एक ही सीट के दो उम्मीदवार सामने नजर आ रहे हैं, सुधीर सिंह और खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि सुधीर सिंह उन पर हमला करवा रहे हैं ताकि वो चुनाव से हट जाएं और फिर मैदान में एक ही नाम रहे, सुधीर सिंह का। लेकिन सुधीर सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने, जो राष्ट्रीय जनता दल के इस समय पूरा कामकाज देख रहे हैं लालू यादव के बाद, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस लोकसभा क्षेत्र से उनके अगले उम्मीदवार रणधीर सिंह होंगे। रणधीर सिंह कौन? प्रभुनाथ सिंह के बेटे। तो इस तरीके से सुधीर सिंह ने साफ कर दिया है कि यहाँ पे खेसारी लाल यादव की कोई ज़मीन नहीं है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहाँ से चुनाव रणधीर सिंह लड़ेंगे। अब सुधीर सिंह और खेसारी लाल यादव की ये कोई नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पहले भी हो चुकी है। इस दौरान इसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। इसमें सुधीर सिंह खेसारी लाल यादव को मारने की धमकी देते हुए सुने गए थे और कहा था कि सुधीर सिंह खेसारी लाल यादव को मुंह पर गोली मारेंगे। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने रसूलपुर थाने में केस दर्ज करवाया था और खुद के लिए सुरक्षा भी मांगी थी। हालांकि इस मामले में सुधीर सिंह ने कहा था कि वो फ़ोन उनका नहीं था बल्कि झारखंड में किसी का नंबर था और मामले की जाँच पूरी हो गई है, पुलिस उन्हें इस मामले में क्लीन चिट देने वाली है। जब खेसारी लाल यादव पर हमला हुआ और नाम सुधीर सिंह का आया तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना सुधीर सिंह से बात की जाए। जब सुधीर सिंह से इस मसले पर बात हुई तो उन्होंने हमले की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुधीर सिंह ने कहा कि वो रहने वाले तो छपरा के हैं, वैशाली में हमला कैसे करवा सकते हैं। उनका कहना था कि अगर राजस्थान में या कहीं और भी किसी पर भी हमला होता है तो इसके लिए सुधीर सिंह कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। सुधीर सिंह ने साफ किया है कि ये पूरी लड़ाई चुनाव को लेकर के ही है। जब तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया था कि महाराजगंज से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रणधीर सिंह होंगे तो विरोधियों के इशारे पर खेसारी लाल यादव उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि सुधीर सिंह ने यह कहा है कि वो भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ हैं और वो अश्लीलता का विरोध लगातार करते रहेंगे। इस बार भी उन्होंने अश्लीलता का विरोध किया है और इसलिए खेसारी लाल यादव इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये थी वैशाली में खेसारी लाल यादव पर हुए हमले की असली कहानी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक करिए, अगर आप इसका यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब तो हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, आप डाउनलोड करिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए द लल्लनटॉप.com। शुक्रिया।